अब आपको बताते हैं कि महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा क्या था। हम सबके अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। तो ठाकुर बनाम ब्राह्मण की इस लड़ाई में सियासत गर्माती जा रही। बिहार की ज्यादा जानकारी के साथ रुपेश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ भी गए। रुपेश, अब इस पूरे मामले पर चेतन आनंद मुखर होकर अपनी पूरी बात रख रहे हैं, आरजेडी में अंदर खाने में इस वक्त चल क्या रहा है? देखिए, आरजेडी ने तो चेतन आनंद के बयान का नहीं, जो कि उनके विधायक हैं, बल्कि अपने सांसद मनोज झा के बयान का समर्थन किया है। हालांकि अधिकृत रूप से अभी ने किसी ने बयान तो नहीं दिया है, लेकिन बातों में राजद ने मनोज झा के भाषण को दमदार और शानदार कहा है कि मनोज झा ने जो संसद में भाषण दिया वो दमदार था और शानदार था। जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में समाजवाद के नाम पर ये जो जाति की लड़ाई है वो राजद के अंदर ही एक घमासान का कारण बनेगी। लेकिन मनोज झा जो बयान देते हैं या भाषण देते हैं उसके एक सप्ताह बाद इस विवाद के कारण को समझना होगा। तीन इसके कारण है जो दिख रहे हैं स्पष्ट तौर पर। दोनों सहरसा के हैं, आनंद मोहन, चेतन आनंद जो उनके पुत्र हैं, और मनोज झा, ये सहरसा के हैं। चुनाव में आनंद मोहन की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, बेटे और लवली आनंद पत्नी भी हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और मनोज झा भी वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो चाहते हैं। दूसरी बात, जो आनंद मोहन है वो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए गए थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, इसका भी कहीं ना कहीं गम है आनंद मोहन, और लिहाजा वो राजद के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी राजनीति है कि ठाकुरों का अपने आप को नेता साबित करना, क्योंकि अभी कल ही उदयपुर में, जो ठाकुर बहुल इलाके हैं, उदयपुर में आनंद मोहन ने एक बड़ी रैली की है, और ठाकुरों को लेकर के जो संसद में जो बयान हुआ और ठाकुरों के दर्द को समझने की बात आनंद मोहन कर रहे हैं या फिर चेतन आनंद कर रहे हैं। कुल मिलाकर रुपेश, आप ये कहना चाह रहे हैं लड़ाई केवल जाति भर की नहीं है, उससे बढ़कर भी ये लड़ाई नजर आती है। बहुत शुक्रिया रुपेश इस तमाम जानकारी के।